हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाए कि ब्याज कैसे निकाला जाता है, यानी कि ब्याज दो टाइप से हम लोग निकालते हैं। एक ब्याज क्या होता है कि जैसे कि हम लोग गांव देहात में किसी से परसेंटेज पे पैसा लेते हैं, जैसे कि वो महीना में काउंट होता है। मान लीजिए कोई अगर 10,000 रुपया लेता है ब्याज पे, तो क्या होता है महीना में काउंट होता है, यानी कि एक महीना में उस 10,000 का अगर 5% से देता है तो महीना में आप लोग को पैसा देना पड़ता है ब्याज में, क्योंकि 10,000 का 5% हम लोग निकालते हैं और वो महीना में काउंट करके हम लोग देते हैं। लेकिन दूसरा ब्याज क्या होता है कि हम लोग बैंक से जो लोन लेते हैं, यानी कि बैंक से जो कर्ज हम लोग लेते हैं, वो वार्षिक होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दोनों तरीका बताया जाएगा और आप लोग यहां से बिना कलम और कॉपी को भी बिल्कुल आसानी से ब्याज को निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, जो हम लोग गांव में पैसा लेन देन करते हैं ब्याज पे, उस ब्याज को कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। उसके लिए यहाँ एक प्रश्न ले लिए हैं, क्या है 50,000 रुपए का 3% की दर से 6 महीने का ब्याज निकाले। यानी कि मान लीजिए 50,000 रुपया किसी से लिए हैं और वो 3% पे दिया है, तो 6 महीने में उसका ब्याज कितना होगा वो निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि 50,000 रुपया क्या है, हम लोग लिए हैं और वो 3% पे दिया है, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा वो निकालना है। तो चलिए अब निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला से निकालेंगे और उसके बाद बिना फॉर्मूला भी निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए अगर फॉर्मूला से निकालना है, तो फॉर्मूला से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो इसमें लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे कि क्या बोलते हैं, ये जो 50,000 रुपया है इसको क्या बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ 50,000 हम लोग लिख लेंगे, तो मूलधन कितना हो गया, 50,000 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब लिखेंगे कि समय कितना है, तो समय इसमें कितना दिए हुआ है, 6 महीना दिए हुआ है। तो इसमें 6 महीना हम लोग क्या लिखेंगे, समय को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जो 3% दिया है इसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर बराबर 3% लिखेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग लिख लिए हैं, मूलधन 50,000 हो गया, समय 6 महीना हो गया और दर कितना है, 3% है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला से हम लोग ब्याज को निकालेंगे। तो ब्याज के लिए एक फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक, यहाँ से ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है, यानी ब्याज का यही फॉर्मूला है। और इसमें क्या है कि मूलधन समय दर तीनों दिए हुआ है और बटा 100 से यानी भाग कर देना है, तीनों में गुना करके 100 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन देखेंगे कि कितना दिए हुआ है, तो मूलधन 50,000 है, तो यहाँ पे 50,000 को लिख देंगे। ठीक, तो 50,000 के लिखने के बाद यहाँ गुना का साइन है, गुना का साइन देंगे। उसके बाद समय देखेंगे कितना है, 6 महीना है, तो ये तो महीने का ब्याज निकलेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। ठीक, ये समय हो गया। उसके बाद गुना है तो गुना का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ दर है, दर कितना है, 3% है, यानी 3 इसमें लिख देंगे। ठीक, उसके बाद बटा कितना है, 100 है, तो 100 यहाँ लिख देंगे। यानी कि जो प्रश्न में दिए हुआ था पहले हम लोग लिख लिए हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट देंगे। अब यहां से क्या बच गया, 500 गुना 6 गुना 3, यानी कि यहां से यही बच गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां क्या करेंगे, 500 में 6 से गुणा कर लेंगे। तो 500 में 6 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो 500 में 6 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप लोगों को डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता है, तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं कि 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 में 6 से गुणा करेंगे तो फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 × 5 कितना आएगा, 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। यानी कि इसमें इससे गुणा किए तो कितना आ गया, 3,000 आ गया। अब 3,000 में 3 से गुणा करना है, तो 3,000 में 3 से गुणा करेंगे तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, यहां 9,000 आ गया। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 9,000 यहां लिख देंगे। यानी कि यहां से इसको सॉल्व किए हैं तो यहां से कितना आ गया, 9,000 आ गया। ठीक, यानी इसको गुणा किए हैं तो 9,000 आया है। यानी कि 50,000 रुपया हम लोग ब्याज पे लिए हैं 3% के हिसाब से, तो 6 महीने का ब्याज कितना निकल कर आ गया, 9,000 रुपया आ
आ गया, यहाँ से ये ब्याज निकल कर आ गया, लेकिन उसको टोटल कितना पैसा लौटाना होगा? 9000 तो ब्याज हो गया, अब उसके बाद मूलधन यानी कि वो कितना पैसा दिया था, 50000 रुपया दिया था, तो 50000 वो और 6 महीने के बाद जो देंगे वो ब्याज भी देना होगा, तो 9000 और देना होगा, यानी 50 और 9 मिलाकर कितना हो जाएगा, 59000 टोटल उसको लौटाना होगा। अगर सिर्फ ब्याज ही निकालना है तो ये आंसर हो जाएगा इसका 9000 रुपया, लेकिन कितना पैसा लौटाना होगा अगर पूछ दे तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को जोड़ देंगे और ब्याज जितना आएगा उसको जोड़ देंगे, तो वहां दोनों जोड़ने के बाद जितना कुल पैसा आएगा उतना पैसा हम लोग क्या करना होगा, उसको लौटाना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो गांव में पैसा लेन देन करते हैं इस प्रकार से उसका हिसाब होता है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ये तो था कि फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए हैं, अगर बिना फॉर्मूला के निकालना हो तो वो बहुत सिंपल तरीका है, बिना फॉर्मूला के हम लोग बिना कॉपी कलम के भी निकाल पाएंगे। तो वो कैसे, जैसे कि 50000 रुपया है, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 50000 रुपया का कितना प्रतिशत की दर से है, 3% की दर से है, तो कितना निकालना है, 6 महीना के लिए निकालना है, यानी 50000 रुपया है, 3% की दर से 6 महीना के लिए ब्याज कितना होगा वो निकालना है। तो बिना कलम कॉपी के भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग को प्रतिशत भी आना चाहिए, अगर प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो वो भी बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर 50000 का यहाँ पे अगर लिखा हो, 50000 का 3% कितना होगा, तो वो हम लोग पहले निकाल लेंगे, का के जगह पे क्या करेंगे, गुणा का साइन देंगे, उसके बाद यहाँ 3% है तो 3/3 कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से 50000 का 3% निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 500 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक। यानी कि आप लोग इस हिसाब को बिना कलम और कॉपी को भी निकाल सकते हैं, जैसे 50000 रुपया है, कितना भी प्रतिशत क्यों ना पूछे, आप लोग सीधा में से 2 जीरो गैप कर दीजिएगा और सामने जितना रहेगा उसे गुणा कर दीजिएगा, तो 50000 का 3% है, तो इसमें से 2 जीरो गैप करने के बाद ये 500 बचेगा, तो 500 में क्या करेंगे, हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो 500 में 3 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ये बिना लिखे हुए भी आप लोग निकाल सकते हैं, जब 1500 आ जाएगा तो 1 महीने का ब्याज कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। अब देखेंगे कि कितना महीने के लिए पूछ रहा है, तो 6 महीने के लिए अगर पूछ रहा है तो इसमें इसे गुणा कर देंगे, यानी 15×6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 वो हो गया, इसमें के 2 जीरो उसमें और ऐड कर देंगे, तो 90 और 2 जीरो को जब और ऐड करेंगे तो वो 9000 हो जाएगा। यानी आप लोग बिना लिखे हुए भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि गांव में हम लोग पैसा जो लेन देन करते हैं उसका हिसाब हो गया, और अगर बैंक से जो हम लोग लोन लिए हैं यानी कि कर्ज लिए हैं तो उस हिसाब को कैसे हम लोग करेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ जो बैंक का हिसाब हम लोग करेंगे यानी बैंक के कर्ज जो लिए हैं उसका अगर हिसाब करना हो तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न को ले लिए हैं। इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, बैंक के हिसाब को समझेंगे। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए बैंक से हम लोग 40000 रुपया लिए हैं, वहाँ पे 3% के हिसाब से हम लोग को लोन मिला है, तो 3 वर्षों का उसका ब्याज कितना होगा वो निकालना है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें वर्ष दिए हुआ है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, महीना था, यानी कि गांव में जो हम लोग लेन देन करते हैं वो हिसाब था, लेकिन यहाँ वर्ष में दिए हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बैंक का हिसाब है, इसलिए यहाँ पे क्या दिए हुआ है, वर्ष में दिए हुआ है, यानी कि बैंक का जो कर्ज होता है वर्ष में ही वो काउंट होता है। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 40000 का पहले तो हम लोग 3% निकाल लेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग क्या सीखे हैं कि 40000 का 3% निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे 40000, इसका अगर 3% निकालना हो तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। 40000 हो गया, इसका अर्थ का हो गया, और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, इसके बटा में 100 दे देंगे तो प्रतिशत हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को गायब कर देंगे, यहाँ 400 आ गया, 400 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के बाद जितना भी आए वो समझ लीजिएगा कि एक ही वर्ष के लिए आया है, तो एक वर्ष के लिए इसका ब्याज कितना है, 1200 रुपया है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस 1200 में 3 से गुणा कर देंगे तो 12×36 यानी कि 3600 रुपया 3 साल का ब्याज निकल कर आ गया। ये होता है बैंक का ब्याज, यानी बैंक जो है वर्ष में ही काउंट होता है। उसके बाद यहाँ आप लोग बिना कलम और कॉपी के इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 जीरो को गायब करना है तो 400 बचेगा, 400 में 3 से गुना कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, फिर 1200 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 3600 हो जाएगा, यानी कि 3600 रुपया ये क्या हो गया, 3 वर्ष के लिए ब्याज निकल कर आया है। इस प्रकार से आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस प्रकार से गाँव वाला
ब्याज और बैंक का जो ब्याज होता है बिना कलम और कॉपी के निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।